आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में 7 चरणों में होगा मतदान, 10 मार्च को 5 राज्यों में होगी काउंटिंग। जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर रोक। सात फेज में होगा 5 राज्यों में चुनाव, 10 फरवरी से होगा मतदान। स्वास्थ्य मंत्री जैन बोले, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी हो रही है मौतें, अस्पतालों में 90% बेड्स खाली। संक्रमित हुए बॉलीवुड के फिल्म मेकर मधुर भंडारकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। खबर औरैया से है, जहां नगर के ख्याली दास तिराहे पर भाजपाइयों ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए भारत माता की जय और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रेम गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई अभद्रता और लापरवाही के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर बस्ती से है, जहां हरैया तहसील के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर भूमाफियाओं ने पुलिस से मिलेभगत से मारपीट करते हुए पीड़ितों को जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ितों ने परशुरामपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जहां जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे जमीन के महीं स्कूल वाले मैनेजर सिराई और प्रधान जाज और थाना परशुराम ये सब लोग गांव वाले कहीं चढ़ाए कर हमारे ईट धरा रहा और हमारे लकड़ी धरा रहा सागवन पर और सब उठाए ले गए भाई जिनका थोड़ा सा हमारे कहीं वही बगल में पड़ा है और हमारे आदमी कहीं तो वो करे मुड़े पढ़िया बच्चे बाजी में हाँ बैठे उसे बाजी में बंद किया हुआ तो उसे मारी है और वो फट गए वकल तो इसलिए केतन बना है और केवल वो डर बना है। ये हरैया तहसील का एक मामला है जिसमें यहाँ पर एक परिवार के द्वारा जो है अभी एप्लीकेशन दी गई है और जिसमें एक बार जांच हो चुकी है और थाने से भी कार्रवाई चल रही है, उसमें नियमानुसार कार्रवाई। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक निजी अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने महज 3 घंटों में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की। इस हार्ट ट्रांसप्लांट को गुजरात के वडोदरा से चार्टर प्लेन से दिल्ली लाया गया था, जिसको अस्पताल समय से पहुंचाने के लिए 40 किलोमीटर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जबकि महिला का सफल ऑपरेशन होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने जहां इसे एक बड़ी सफलता बताया, तो वहीं उन्होंने फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली पुलिस का ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के चलते हार्ट समय पर अस्पताल पहुंचा और ये ऑपरेशन सफल हो पाया। लॉजिस्टिकली तो बहुत ही कठिन रहा, आपको यहां से टीम तैयार करना, एयरपोर्ट पे सारा कोऑर्डिनेशन करना, वहां से प्राइवेट जेट अरेंज करना, जेट को जाके वहां पे वेट करना, वहां से टीम को दूसरे अस्पताल में जाके ऑपरेट करके हार्ट निकालना और फिर जर्नी में वापस आना। लेकिन आसान काम तो हर कोई करते हैं, कठिन काम ही चैलेंज होता है। तो कितना समय लग गया सर इसको ट्रांसप्लांट करने में टोटल? आई थिंक कि 6 घंटे का विंडो होता है, 5-6 घंटे का विंडो, उस विंडो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी महिला की हालत कैसी है? मैं कहूँगा स्टेबल है बट क्रिटिकल है, अभी तो उससे ज़्यादा कहना मुश्किल है। सर जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली 3 वो पड़े, तो आपने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, किसकी मदद ली और कितना धन्यवाद? ये हमने
तीनों जगह के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली, और एक बार फ़ोन करने के बाद हमें किसी को ये रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और जैसे जैसे प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हुआ उनको पता था, मिड एयर में था तो पता था, कितने बजे लैंड हो रहा है ये पता था, लैंड किया और उसके बाद सारा कुछ हमारे लिए ऐसा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के बीच में हमारे एम्बुलेंस के लिए कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई कार नहीं थी। और मैं तो समझता हूँ कि ये पुलिस का तीनों दोनों स्टेट और जिलों के पुलिस का कमाल का काम था। अपने परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन पूरे हॉस्पिटल को और हर ट्रांसप्लांट टीम को और सभी डॉक्टर्स को, सबसे पहले तो यही सब। दूसरी बात, गॉड से प्रे कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा फरीदाबाद प्रशासन भी मेरे लिए काफ़ी, अभी हम लोग ने वीडियो में जैसा कि देखा कि लगे थे, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब लोग प्रे करें ताकि मैं अपने घर पर अपनी बेटी को अपनी माँ वापस कर सकूं। बस कितने समय से बीमार चल रही थी? 2014 से चल रही थी। कहाँ इलाज करा पाए? मैं पहले तो मैं कानपुर में इलाज कराता रहा, एक्चुअली बीमारी इतनी बड़ी थी कि मैं पता ही नहीं कर पा रहा था, कई डॉक्टर डायग्नोस करने की वजह से भी ऊपर नीचे हो रहा था, फिर फाइनली डायग्नोस हो पाया, फिर अपोलो में इलाज चला मेरा, फिर कानपुर में चला रीजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर मेरे रेलवे हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जब ज़्यादा दर्द कर रहे थे तो इसके बारे में मालूम चला तो हम लोग यहाँ आए, ट्रांसप्लांट ही उसका विकल्प था बीमारी का लास्ट। खबर बहुत से है जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा का घोषणा पत्र बनाने से पहले लोगों के लिखित विचारों को इकट्ठा किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि भाजपा लोगों की जनभावना का ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाती है, जिसके चलते नीतियों को बनाने से पहले भाजपा सभी वर्ग के लोगों का सुझाव ले रही है, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता, व्यापारी, उद्योग बंधुओं, छात्राओं, बेरोजगारों, महिलाओं, सभी के विचार एक बॉक्स में इकट्ठा कर रहे हैं, जिन्हें पार्टी कार्यालय भेजा जाएगा। ये मऊ में मेरे सामने जो लोग आए ज्यादातर, क्योंकि 80% लोग यहाँ पर टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, बुनकर हैं, तो कई बुनकर संगठन आए और यहाँ उद्योग बंधु के भी लोग आए और उन्होंने अपने बहुत सुंदर विचार में प्रस्तुत किए हैं। कुछ जो उनके विचार हैं वो हमारी पॉलिसी में पहले से हैं, उनको लागू सख्ती से करने की आवश्यकता है। से है जहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल रूप से सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के जनप्रतिनिधि और NHAI के अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर 84 कोस परिक्रमा का कायाकल्प होगा, जिसके विकास में 5,000 करोड़ खर्च आएगा। साथ ही परिक्रमा मार्ग में वृक्ष लगाए जाएंगे, जबकि पैदल चलने वाले का मार्ग पर धारा लगाई जाएगी। वही 84 कोस परिक्रमा के विश्राम स्थलों का श्री कृष्ण की लीलाओं का इतिहास होगा और मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। फतेहपुर जनपद में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जहां घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर DCMA की गाड़ी तेज रफ्तार जा रही थी। DCMA ने 4 लोगों को रौंद डाला, जहां मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद युवक को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने इलाज के लिए युवक को अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 3 शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 7/1/2022 को समय करीब 10:30 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि मैचा मंदिर हाईवे के पास एक पिकअप खराब हो गई थी, जिसको उसका चालक खलासी योम एक मिस्त्री बना रहा था। एक पीछे से DCM तेजी से रफ्तार आते टक्कर मार दिया, जिसमें 3 लोग तत्काल मृत्यु हो गई और एक जुलूफ का नाम का व्यक्ति घायल हो गया। इस सूचना पर SDM खागा, SHO खागा और मैं मौके पर पहुंचा। तत्काल जो है घायल को CHC हरदो रवाना किया गया, योम मृतकों की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस रवाना किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रही, तहरीरी सूचना के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
फतेहपुर के लल्लौली थाना क्षेत्र के कोरा गांव में युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के बाहर जंगल से युवती का शव बरामद हुआ, जहां युवती के शव बरामद होने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे घटनास्थल में घेराबंदी कर दी है और जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। जनपद फतेहपुर लल्लौली थाना क्षेत्र के ग्राम कोरा करक निवासी लक्ष्मी प्रसाद ने थाना लल्लौली पर प्रार्थना पत्र दिया कि आज सुबह करीब 7 बजे उसकी पुत्री निशा उम्र 17 वर्ष शौच के लिए घर से खेतों की तरफ गई थी। 1 घंटे बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो खोजने पर मलखान के खेत में वह मृत पड़ी मिली। उसकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गले में चोट पहुँचाकर कर दी गई है। लक्ष्मी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर थाना लल्लौली में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर आगरा के फतेहपुर सीकरी से है, जहां लाल दरवाजे में भैंसों के बांधने के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान दोनों पक्षों में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया। जबकि इस दौरान पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में शिकायत के दौरान पीड़ित पक्ष पर दोबारा हमला किया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां जहानाबाद थाने कस्बे में मलिकपुर सड़क किनारे आग ताप रहे युवक को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी और मौके से पिकअप चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर किया गया, जहां कानपुर लेकर जाते समय युवक की मौत हो गई और जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। खबर सहारनपुर से है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक ढाबा संचालक को गोली मार दी। ढाबे से सामान लेने को लेकर किसी बात पर विवाद हुआ था, जहां घायल ढाबा संचालक सुरेंद्र सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज न मिलने के कारण घायल को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया। गोली चलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल लोगों को परिजनों ने जिला अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। ये घटना थानापुर रामपुर मनिहारा क्षेत्र रामपुर नानौता हाईवे की है। सुबह ही 5 बजे के करीब मेरे भाई ने जो होटल खुला हुआ है रामपुर नानौता के बीच में, तो वहाँ पे 3 बंदे मोटरसाइकिल पाए। वो कहने लगे हमारे को पास पोलोथीन दिए, उसके लिए फ़ोन के लिए पोलोथीन दे दो। उसके बच्चे ने चांद ने उनको पोलोथीन दी, तो उन्होंने जब ही कान के ऊपर रिवाल्वर रख दिया, कह जो कुछ है हमारे को दे दो। तो उसके बाद में उन्होंने उसका फादर उठ गया सुरेंद्र, उन्होंने सुरेंद्र को जो है उठते गोली मार दी उन्होंने। थाना रामपुर क्षेत्र में दिल्ली रोड पर शाकंभरी ढाबा के नाम से एक सुरेंद्र सैनी होटल चलाते हैं। उनका कहना है कि रात 4:30 बजे के लगभग 3 लड़के बाइक से आए, बरसात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पन्नी दे दो, थैली दे दो, तो उन्होंने मना किया कि थैली उनके पास नहीं है। फिर चाय पीने बनाने के लिए कहा तो चाय के लिए भी मना किया। इसी दौरान उन्होंने हाथापाई, गाली गलौज और झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान 3 लड़कों में से जो एक लड़के ने फायर किया, जो सुरेंद्र सैनी के बाएं पैर में गोली लगी उसकी, उनको घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।